ब्रेस्ट कैंसर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में हजारों तरह के सवाल आते हैं। क्या है ब्रेस्ट कैंसर? कैसे होता है ब्रेस्ट कैंसर? क्या मुझे हो सकता है? आर देयर एनी वेज टू डिटेक्ट इट अर्ली? हाउ एक्सपेंसिव इज द कॉस्टिंग? सो टू गेट आंसर्स टू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड सो मच मोर, आई एम ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू हैव विद मी टू इनक्रेडिबल वुमेन। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर डॉक्टर अदिति अग्रवाल। शी इज अ सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट। Joining her is Dimple Bawa. She's a breast cancer survivor and an activist who now runs an NGO, Cheers to Life Foundation. Thank you so much, Dimple. Thank you so much, Doctor, for coming on Mom's Score to have a conversation around this very important topic. Thank you. Doctor, I'd like to start with you. Kya hai breast cancer and what are its causes? So, cancer, jab hum bolte hain, cancer ka matlab hai koi gaant. गांठ बॉडी में कहीं पर भी हो सकती है। गांठ का मतलब है कि सेल्स जो एक बॉडी में सबसे छोटी यूनिट है, दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इन एन अबनॉर्मल मैनर, एक से दो, दो से चार, ऐसे करते करते वो मल्टीप्लाई करके एक रूप ले लेते हैं जो गांठ बन जाती है। उस गांठ को हम कैंसर कहते हैं। ये बॉडी में कहीं पर भी हो सकती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब ये गांठ ब्रेस्ट में होती है या फिर बगल के लिम्फ नोड्स में होती है तो हम इसको ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं जो डिपेंड करता है कि ये किस सेल से आ रही है। सो दैट इज व्हाट इज ब्रेस्ट कैंसर। कमिंग टू यू डिम्पल, यू वर डिटेक्टेड विद ब्रेस्ट कैंसर ऑलमोस्ट 10 इयर्स अगो। कुछ बताइए, व्हाट स्टेज वाज इट एंड हाउ डिड यू बैटल दैट वंस यू गॉट टू नो दैट यू वर डिटेक्टेड विद ब्रेस्ट कैंसर? आई वाज डायग्नोस्ड विद स्टेज 3B ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर इन द ईयर 2013 एंड इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। My annual checkup was due in the month of May, but I got an accidental hit on one of my breasts. So from there, the pain persisted for 3-4 days. I went to my gynae for the checkup, and then the series of investigations happened: FNSC, ultrasound, X-ray. So thereon, you know, I got to know that I have breast cancer. Then the MRI, PET scan happened, then the staging and everything. So it was stage 3B. But there is a history of breast cancer in my family. I lost my mother to breast cancer. Initially, she was diagnosed and then she was cured. But later on, there was a recurrence, and the recurrence was very bad. It was liver, lungs, and it went to brain during her course of treatment. It was a battle of almost 3 years, but we couldn't save her. Stemming from her conversation, Doctor, I have a myth here. So people feel if I don't have, she had a history of breast cancer in her family. But usually people have a feeling if I don't have a history, so chances are I will never have breast cancer. Is that true? So that is a very common myth, I would say. ऐसा नहीं है, this is absolutely wrong. It's a myth. अगर किसी की family में cancer की history है तो जरूरी नहीं है कि उसको breast cancer होगा. Okay. The chances are more. The risk of having breast cancer is more than average population. और अगर किसी की फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि ऑल ऑफ अस बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अलाइव आर अनफॉर्चुनेटली एट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। वो एक एवरेज रिस्क है बेस्ड ऑन सर्टन फैक्टर्स। कुछ लोगों में वो रिस्क ज़्यादा होता है, कुछ लोगों में वो रिस्क कम होता है, डिपेंडिंग ऑन मेनी अदर फैक्टर्स। तो हम सबको कॉशियस रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। दिस इज नॉट टू स्केयर एनीवन, इट इज टू मेक पीपल अवेयर दैट दिस कैन हैपन। करेक्ट। ऑल्सो डॉक्टर, अर्ली डिटेक्शन हाउ क्रूशियल इज दैट? अगर किसी का अर्ली डिटेक्ट हो जाता है, आर देयर चांसेस ऑफ प्रिवेंटिंग एनीथिंग फर्दर? सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड, बिकॉज ब्रेस्ट बींग एन एक्सटर्नल ऑर्गन, एन एक्सेसिबल ऑर्गन, हम उसको बहुत ईजिली पैल्पेट कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। तो हम कुछ ऐसे लम्स भी डिटेक्ट कर सकते हैं जो एक्चुअली अभी कैंसर भी नहीं है। हम उसको इन सीटू या प्री कैंसर स्टेज में भी डिटेक्ट कर सकते हैं, दे विल स्टिल प्रेजेंट एज लम्स। प्लस देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन कॉल्ड मैमोग्राफी, जो अवेलेबल है, जो रिकमेंडेड है आफ्टर अ सर्टन एज, 40-45 ईयर्स, जो फीमेल्स को करनी चाहिए टू अंडरस्टैंड कि उनकी बॉडी में कुछ अबनॉर्मल तो नहीं हो रहा है। सो स्क्रीनिंग मीन्स कि कुछ अबनॉर्मल अभी हुआ नहीं है, बट स्टिल वी आर इन्वेस्टिगेटिंग टू अंडरस्टैंड कि कुछ अंदर चल तो नहीं रहा है। कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ अर्ली डिटेक्शन, तो अगर हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो एज आई सेड, हम कैंसर बनने से पहले डिटेक्ट कर सकते हैं, हम कैंसर की अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकते हैं जबकि वो गांठ छोटी है।
छोटी गांठ डिटेक्ट करने से या अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि हम उसको कम अग्रेसिव ट्रीटमेंट से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं. सो अगर एडवांस स्टेजेस होंगी उसके क्योर के पूरी तरह से ठीक होने के चांसेस कम हो जाएंगे. अर्ली स्टेजेस में स्टेज 1 और 2 ब्रेस्ट कैंसर के क्योर के चांसेस आर क्लोज टू 98 to 99%. दैट मीन्स स्टेज 1 और 2 में 100 में से 98 to 99 वेमेन विल गेट क्योर्ड फॉर देयर लाइफ डिपेंडिंग ऑन सेवरल अदर फैक्टर्स एंड द ट्रीटमेंट दे टेक. एडवांस स्टेजेस में ये क्योर रेट कम होता जाता है. सेकेंडली ट्रीटमेंट में हम क्या क्या यूज़ करते हैं. अर्ली स्टेज में सर्जरी, सर्जरी के बाद रेडिएशन, कई बार कुछ टैबलेट्स यूज करके पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं. एडवांस स्टेजेस या बड़ी गांठों में हमें कीमोथेरेपी भी यूज करनी पड़ती है. सो ट्रीटमेंट बिकम्स लेस अग्रेसिव अगर हम उसे जल्दी पकड़ते हैं. इसका एक इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये होता है कि ट्रीटमेंट का कॉस्ट कम होता है अगर हमने जल्दी उसको पकड़ा, क्योंकि हमें कम मोडालिटीज यूज करनी पड़ रही है. ऑब्वियसली एंग्जाइटी, क्योर, एवरीथिंग बिकम्स बेटर, प्रोग्नोसिस बिकम्स बेटर अगर हम जल्दी पकड़ते हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिकमेंडेड कि हमें स्क्रीन करना चाहिए. हो सकता है कुछ नहीं हो, पर अगर है तो हम उसे जल्दी पकड़ लें. सो हेंस अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो दैट इज वेन योर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कम्स इन टू प्ले एवरी टाइम. सो कमिंग फ्रॉम द डॉक्टर सेइंग अबाउट द स्टेजेस वेरी एंड हेंस द कॉस्ट ऑल्सो वेरीज, अगर आप हमें बताएंगे हाउ एक्सपेंसिव वॉज योर ट्रीटमेंट. सो आई वॉज ट्रीटेड वे बैक 10 years अगो. My treatment cost must be around 13 to 15 lakhs, somewhere in between. But it all varies from the patient to patient, because depending upon the staging, depending upon the cancer type, because breast cancer has 3 different variants as well. So treatment also might last from 6 months to 18 months. You know, that also varies as well. But it also depends on person to person, because some patients might have adverse side effects. So they might need hospitalization more often than the other patient. They might need more testing, more investigations during the course of treatment. Sometimes they need blood infusions as well. So it all depends. It depends from person to person. So it all depends on the cost of the chemo drugs as well. Like in my case, my drugs used to come from LA. So they were pretty expensive. Per chemo used to cost me around 80 to 90,000 way back. And I did not have any medical insurance. So that also one thing, and I also encourage a lot of younger women to invest in medical or health insurance, because it is very important. It's not only about that, you know, it's more about the awareness. Correct. If something is needed, so you don't have to think of, and you don't have to liquidate your assets for your treatment. So do you still go for your checkups? Yes, I still go for my checkups. Earlier, like after my treatment, it was like 9 months of my treatment, where there were 6 neoadjuvant chemotherapies, followed by mastectomy, followed by 25 sessions of radiations. And then for the follow-up, earlier I used to go every 3 months because I was under intensive screening. And then after 2 years, I made it every 6 months. Then following 2 years, I made it annually. Now I go for my screening annually. It's some blood work and some other investigations. I'm still under 45, so I don't go for mammography so far. So doctor, tell me something. Is there any dietary changes that can help in preventing getting breast cancer? Or maybe if you've been diagnosed with one, kuch aisa hum changes apne diet mein kare which probably helps us in reducing it further? So diet is one thing that comes into our mind if anything abnormal goes. From a sore throat to a pain abdomen to something as significant as cancer. So if I say कि कुछ ऐसा है जिससे हम prevent कर सकते हैं, frankly नहीं. ऐसा कुछ जो causative है, that is also a directly no causative relation. But we should have a healthy balanced diet. So जो लोग saturated fats ज़्यादा लेते हैं, red meat ज़्यादा होता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, फाइबर कम होता है, जो ओबीस होते हैं उन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है. आई वुडेंट से कि हर कोई जो ओबीस है उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है या जो लीन एंड थिन है उसको नहीं होगा, बट देन इट डज इंक्रीज योर रिस्क ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर. सो एज अ रूल एवरीवन शुड हैव अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट. आई एम नॉट सेइंग फैट्स नहीं लेने चाहिए, फैट्स रिक्वायर्ड अमाउंट्स में लेने चाहिए. दे शुड बी द गुड फैट्स दैट यू शुड टेक. मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज होना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइबर होना चाहिए, गुड अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स होना चाहिए. नाउ वंस समवन इज डायग्नोज्ड विद कैंसर, एनी पर्टिकुलर फूड्स टू बी अवॉइडेड? अगेन नो.
डिपेंडिंग ऑन क्या ट्रीटमेंट चल रहा है द डॉक्टर वुड देमसेल्व्स टेल अगर कोई स्ट्रिक्टली चीज़ उनको नहीं लेनी है. फॉर एग्जाम्पल जब कीमोथेरेपी चलती है इम्यूनिटी इज सप्रेस्ड सो वी टेल द पेशेंट टू टेक हेल्दी हाइजीनिक फूड एंड अवॉइड वेरी स्पाइसी एंड वेरी ऑयली फूड जिससे कि साइड इफेक्ट्स और रिएक्शंस कम हो बॉडी अच्छे से टॉलरेट कर पाए. टेक गुड अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स इन योर डाइट. Other than that, normal diet as we take home cooked food can be taken. Any normal person. Yes, yes. Takes yes. a balanced diet similar yes, to that. Yes, yes. क्योंकि कैंसर को हमारे सोसाइटी ने स्टिग्मेटाइज करा हुआ है. Also, there's a sense of fear attached to breast cancer. Any form of cancer. Any in form fact. Of cancer. You hear the word cancer and then yeah. you feel it's life threatening. Yeah. The life is over now. Which is not so. Yeah. Which is not true. So as we were saying about early detection, if yeah. we are able to detect it early, the cure rates are as good as 98% to 99%. Mm. See, diabetes and hypertension or heart disease are never cured. Correct. Once diagnosed, you will always have to take those life you will medicines. Always have to do those mm. lifestyle yeah. modifications, those yeah. dietary modifications. Yeah. Patients who've had a stroke, yeah. they have those losses, deficits in their body, matlab एक वीकनेस हो गई किसी साइड की दैट स्टेज फॉर लाइफ. डॉक्टर डू वी ऑल्सो सी केसेज वेर अ पर्सन हैज डन एवरीथिंग व्हाट द टेक्स्ट बुक सेज एंड स्टिल दे हैव ब्रेस्ट कैंसर. यस सो अनफॉर्चुनेटली यस. इन फैक्ट आई वुड से आउट ऑफ 100 ओनली इन 4 or 5 वी आर एबल टू सी द रिस्क फैक्टर्स जिनकी हम बात करते हैं. रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर फैमिली हिस्ट्री है तो वो एक स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है. अगर वी से रिप्रोडक्टिव साइकिल, ब्रेस्ट में रिप्रोडक्टिव साइकिल इज इम्पॉर्टेंट. सो फीमेल्स जिनको जल्दी पीरियड आया है विच इज अर्ली मेनार्की एंड लेट मेनोपॉज यानी कि वो पीरियड लंबे टाइम तक लाइफ में रहा है, दे आर एट अ हायर रिस्क. लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हैविंग अ चाइल्ड एट एन एडवांस स्टेज 30-35 ईयर्स, हैविंग नो चिल्ड्रन, नो ब्रेस्ट फीडिंग, इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर 100% नहीं है कि किसी ने ऐसा किया तो उसे होगा. उससे सिर्फ रिस्क इंक्रीज हो रहा है किसी फैक्टर से 0.5 टाइम्स हो रहा है, किसी फैक्टर से 0.8 टाइम्स, किसी से 100 टाइम्स हो रहा है. सो डिपेंडिंग ऑन क्या रिस्क फैक्टर है. सेकेंडली एडवांसिंग एज इज अ रिस्क फैक्टर. एडवांसिंग एज में रिस्क बढ़ जाता है. आफ्टर द एज ऑफ 50-55 द रिस्क इज मच हायर. ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर. स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर. Having radiation to the chest for some reason, अगर किसी को बचपन में radiation मिला है as a child for some disease, वो एक risk factor है. So ये risk factors अगर हैं तो उसका risk बढ़ जाएगा. Coming to your question of कि अगर ये सब नहीं है तो भी हो सकता है, yes, तो भी हो सकता है क्योंकि हम सब एक एवरेज रिस्क पर हैं. इसीलिए वी टॉक अबाउट स्क्रीनिंग विच इज रिकमेंडेड फॉर ऑल फीमेल्स after the age of 40 or 45 depending on the guideline that we are following. One more important point, hum breast cancer ki baat kar rahe hain, naturally females mein zyada common hota hai, males mein breast tissue utna hota nahi hai, lekin males mein bhi breast cancer ho sakta hai. So whatever tissue is there in males in the chest area, usme breast tissue bahut minimal hota hai, isliye the chances of having breast cancer in males is much less. The ratio is almost 100:1. Agar 100 females ko hoga to kisi ek male ko hoga, lekin males mein bhi breast cancer ho sakta hai. To jab hum family history ki baat karte hain to wo male breast bhi ho sakta hai, वो कोई और कैंसर भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे म्यूटेशंस होते हैं जिसमें सिर्फ ब्रेस्ट नहीं, ओवेरियन, यूट्राइन, पैनक्रियाटिक, स्टमक, एक देर इज अ लिस्ट ऑफ कैंसर्स की अगर उस तरह के कैंसर्स हो रहे हैं तो भी दोज पीपल आर एट अ हायर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. सो हिस्ट्री ऑफ एनी काइंड ऑफ कैंसर मे बी इम्पॉर्टेंट. डिम्पल, नाउ कुड यू हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ वर योर कीमोथेरेपी सेशंस? How difficult were your sessions? How painful were they? And how did you battle them out? So, okay, first let's start with this question which every patient asks themselves, why me? Even I asked myself, why me? I was somewhere down the line, I was sure that I will get cancer at some stage in my life, but I did not expect at the age of 32. That's because you had a family history. Yeah, yeah. So I thought 32 is too young to get cancer. And I still remember when I went to meet one of an oncologist and there was this coordinator, she was noting down my details and all that. She was like, oh, how lovely to see a beautiful patient like you. And I was like, I don't know what to say. Shall I say thank you or shall I say, oh my God, I'm looking so down and I'm so low right now, I cannot even respond to it. So
32 when I was diagnosed, but then of course I've met various oncologists, then finalized with one doctor, and the new adjuvant chemotherapy started with the interval of every 3 weeks. There were 6 chemotherapies in total. But these days I would say the medicines have been so advanced. They give you pre-chemotherapy thing, like pre-chemo drugs, where your body is prepared to have minimal side effects during the session of the chemo. So chemotherapy usually takes about 7 to 8 hours in the hospital. They usually do it in the chemo daycare. You're given some drugs, empty stomach, you take it beforehand at your home, then you go to the hospital, they do all the investigations, your body weight is checked, the drugs are measured according to your body weight, and they infuse drugs. It's an IV treatment. And during the course of the treatment, like after 3-4 hours, you start feeling dizzy, you start feeling headaches, heaviness in your head, you know, dryness of the mouth, dryness of the skin, even your cuticles, they become so dry. Your feet, your hand become so dry and brittle, your nails would feel. And you start feeling weak after 4 to 5 hours. Sometimes you have abdominal cramps, sometimes you have constipation, sometimes you have diarrhea, you have sleeplessness issues, you have muscle pain, you have bone pain. Then there are some growth factors, you know, which is given like 6th day post your chemo, 8th day, 10th day or 12th day, depending upon, to regrow the healthy cells. So that also gives you side effects, bone pain especially. I remember after my first chemo, when that growth factor injection was given to me, I had pain all over my bones. Even my jaw was hurting, my ear bones were hurting. This is a message to everyone. Please do not Google your complaints. See, Google gives you all kinds of information. It may be positive, it may be negative. Most of the times it will give you negative information first. See, many side effects we report. As a doctor, we report that something like this happened. So that report does not mean that that is going to happen in majority of the patients. Okay. As a doctor, I understand that this can happen. But there are some side effects which is going to happen in majority of the patients, and there are some side effects which will happen in a few patients which even we can't predict ki kisko kya hoga. So doctor, coming to one more question which has been Googled, that I have breastfed my baby and I cannot have breast cancer. Right. Like a lot of mothers who have breastfed their children, they've written that on the Google and they get weird answers. So is that true? So breastfeeding reduces the chances of having breast cancer, but that does not make it 100%. Breastfeeding, jinhone nahi kari hoti hai, they are at a higher risk of developing breast cancer, kyunki breast cancer kafi had tak ek hormonal disease hai. तो हमारे बॉडी में जो हॉर्मोनल डिसबैलेंस चल रहा है उससे रिलेटेड है. आई वॉज टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव साइकिल, अर्ली मेनार्क, लेट मेनोपॉज. तो जितना टाइम आपकी बॉडी ईस्ट्रोजन को एक्सपोज्ड है उतना आपको रिस्क बढ़ जाता है. ब्रेस्ट फीडिंग से वो हॉर्मोनल जो हाई ईस्ट्रोजन है दैट कम्स डाउन, सो दैट इज प्रोटेक्टिव. बट जिन लोगों ने ब्रेस्ट फीड किया है, ऐसा नहीं है 100% कि दे के नॉट हैव ब्रेस्ट कैंसर या वो बिल्कुल सेफ है. सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन उन्हें भी करना चाहिए. स्क्रीनिंग जैसी रिकमेंडेड है आफ्टर द एज ऑफ 45 इयर्स उन्हें भी करनी चाहिए विद मैमोग्राफी. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर लैक्टेटिंग मदर्स, जब लैक्टेट करते हैं सो मिल्क रिलेटेड लम्ब्स ब्रेस्ट में बनते हैं. डिपेंडिंग ऑन आप मिल्क प्रोडक्शन कितना है, आप कितना फ्रीक्वेंटली बेबी को फीड कर रहे हो, विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल. सो इफ़ यू फील एनी लम्ब जो आपके फीड करने के बाद भी परसिस्ट कर रहा है, मे नॉट बी पेनफुल. ये भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ब्रेस्ट लम्ब्स इनिशियली टू बिगिन विद आर नॉट पेनफुल. सो ऐसा नहीं सोचना है कि ये पेनफुल है तभी मुझे डॉक्टर के पास जाना है. अगर कोई पेनलेस लम्ब, लम्ब मीन्स गांठ, परसिस्ट कर रही है, देन यू हैव टू सी अ डॉक्टर. सो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर वो गांठ बन रही है बट जब आप ब्रेस्ट फीड करते हैं वो रिजॉल्व हो जाती है, देन इट इज एब्सोल्युटली फाइन. पर अगर ब्रेस्ट फीड करने के बाद भी वो गांठ परसिस्ट कर रही है, देन प्लीज डू सी योर गायनेकोलॉजिस्ट. व्हाट इज द डिफरेंस डॉक्टर बिटवीन स्क्रीनिंग एंड मैमोग्राफी? आई विल टेल यू. स्क्रीनिंग इज एनी टेस्ट. तो स्क्रीनिंग हम कोलोरेक्टल कैंसर में भी करते हैं, हम सर्वाइकल कैंसर में भी करते हैं. स्क्रीनिंग इज एनी टेस्ट जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल का कर रहे हैं. मैमोग्राफी इज वन ऑफ द टेस्ट्स लाइक एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन व्हिच इज डन फॉर स्क्रीनिंग इन ब्रेस्ट कैंसर. ओके, सो दैट्स अ डीपर फॉर्म ऑफ. सो दैट इज अ टेस्ट. अगर मैंने कहा स्क्रीनिंग करनी है, वो स्क्रीनिंग करनी कैसे है, वो मैमोग्राफी से करनी है. ओके ओके.
और वो मैमोग्राफी इज आफ्टर द एज ऑफ ईदर 40 और 45, नॉट बिफोर दैट. नॉट बिफोर दैट. उसके पहले अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री होती है और हमें पहले स्टार्ट करना है तो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, हम मैमो नहीं करते. क्लिनिकल एग्जामिनेशन अलोंग विद अल्ट्रासाउंड. ओके ओके. ऑलराइट. आल्सो डॉक्टर, क्या ब्रेस्ट और ब्रा, is there any correlation, like wearing a wrong bra or wearing an underwired bra, does that increase your chances of getting breast cancer? No. So that again is a myth ki underwired bra agar hum pehnenge to breast cancer badh jayega. In fact many females come and ask us ki black color ki bra pehnenge to kya breast cancer ka risk badh jayega. Aisa kuch bhi nahi hai. So बाहर से आप जो अंडरवायर ब्रा पहन रहे हैं या जो कलर है, दैट इज गॉट नथिंग टू डू, इट इज हैपनिंग इंटरनली इन योर बॉडी. जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जो म्यूटेशंस हो रहे हैं या जो सेल में अबनॉर्मलिटी है, वो इंटरनल है. डिंपल, कमिंग टू यू, जब आपको ये पता चला दैट यू वर डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर, आई एम श्योर योर वर्ल्ड वुड हैव टर्न्ड अपसाइड डाउन. आपका मेंटल हेल्थ वुड हैव टेकन अ टॉस. हाउ डिड यू कोप विद दिस सिचुएशन? हाउ डिड आई कोप अप, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बिकॉज सबसे पहले एक्सेप्टेंस चाहिए कि ठीक है, नाउ आई हैव दिस. सो उसके बाद में डिड एक्सेप्टेंस कम इमीडिएटली और डिड इट टेक टाइम? नो, इन माय केस इट केम इमीडिएटली. एक्सेप्टेंस मैंने हो गया था कि ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज, नाउ आई हैव टू डील विद इट. बट देन एक्सेप्टेंस के साथ में यू नीड टू एडमिट व्हाट यू हैव बीन डूइंग रॉन्ग, राइट? बिकॉज वी विमेन, वी डोंट प्रायोरिटाइज आवर सेल्फ, वी डोंट प्रायोरिटाइज आवर हेल्थ. फॉर अस, आवर फैमिली takes the front seat. We women, we takes a back seat. हम कभी भी अपने health, अपने food, अपने sleep, अपने exercise, किसी भी चीज़ को prioritize नहीं करते. हमारे लिए काम है, family है, बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा ऊपर होते हैं, फिर हम आते हैं. So admission that yes, I have been doing certain things wrong, it's time to change. And then action, because timely action is very important. इट्स नॉट कि किसी को भी कैंसर डायग्नोज हो गया, आपको कल ट्रीटमेंट शुरू कराना है. इट्स नॉट लाइक दैट. स्टेजिंग जो होती है, आपके एक महीने में वो कैंसर का लंप नहीं डेवलप हो गया. अगर आपका स्टेज थ्री है, वो आपकी बॉडी में है पिछले चार महीने, छः महीने, आठ महीने से आपकी बॉडी में है. तो दो हफ्ते, तीन हफ्ते विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. आप अपना पूरा टाइम लो एक्शन लेने के लिए. आपको पूरे इन्वेस्टिगेशंस कराओ. Once you're fine that yes, this is what the stage is, it's not, you know, spread in other parts of the body, it's still intact in the breast, ya agar lymph nodes mein aaya hai, but in my case it was there in the pectoral muscle as well, there were some clavicle nodes as well, some lymph nodes as well, so that's why it was stage 3B. Could you just break it down for us, like for the audience to understand what exactly? So I think Dr. Aditi can break it down in a more technical manner. Okay. Yeah. So when we talk about staging, staging मतलब कि वो जहाँ से शुरू हुआ उसके अलावा वो कहाँ कहाँ और गया है, कितना बढ़ा है. सो ब्रेस्ट कैंसर की या यूजुअली किसी भी कैंसर की चार स्टेजेस होती हैं, फिर हम उनको सब स्टेज करते हैं. 1, 2, 3, 4. 1 ब्रॉडली, जब 2 सेंटीमीटर से छोटा वो गांठ होता है, कहीं और नहीं गया, लिम्फ नोड्स में भी नहीं गया, बॉडी में भी कहीं और नहीं गया. इट्स राइट इन द ब्रेस्ट, इट्स ओनली इन द ब्रेस्ट. ओके. स्टेज 2 ब्रेस्ट में ही है, कहीं और नहीं गया, वो 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से बड़ा है, 2 or more, एंड इट इज लेस देन 5 सेंटीमीटर. द मोमेंट इट बिकम्स मोर देन 5 सेंटीमीटर, वो स्टेज 3 हो जाता है. ठीक है. फिर उसके बाद लिम्फ नोड्स पॉजिटिव हैं, वो भी स्टेज 3 में आता है. अगर वो नीचे मसल में जा रहा है या वो ऊपर की स्किन में जा रहा है, देन इट इज अगेन सब स्टेज ऑफ स्टेज 3, ABC, एंड देन स्टेज 4 वो होता है जो ब्रेस्ट के अलावा कहीं और बॉडी में चला गया, किसी और वाइटल ऑर्गन को टच कर गया. तो लिम्फ नोड्स अगर होते हैं, वी स्टिल कॉल इट लोको रीजनल, कि वो अभी भी लिमिटेड है, क्योंकि ये लिम्फ नोड्स जो बगल के होते हैं, यहाँ से ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स होते हैं, यानी बॉडी में अगर ब्रेस्ट में कोई भी इन्फेक्शन होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो वो इन लिम्फ नोड्स में ड्रेन करेगी. अगर वो कहीं और चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल लंग्स मोस्ट कॉमन ऑर्गन होते हैं, या बोन्स में जाता है, या ब्रेन में जाता है, या लिवर में जाता है, देन इट बिकम्स स्टेज 4 कैंसर. सो जब हम अर्ली डिटेक्शन की बात कर रहे थे, तो स्टेज 4 में क्योर के चांसेस कम हो जाते हैं. स्टेज 1 और 2 में 95-98% चांसेस होते हैं कि हम उसको पूरी तरह से ठीक कर पाए. सो डॉक्टर, टेल मी समथिंग, इफ से अ 32-year-old हु हैज बीन सेल्फ एग्जामिनिंग हर सेल्फ फ्रीक्वेंटली, कुछ डिटेक्ट नहीं हो रहा उसको, कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रही, शी गोज टू द डॉक्टर कपल ऑफ मंथ्स लेटर फॉर व्हाटएवर रीजन, और वो अपना स्क्रीनिंग कराती है, इज देयर अ चांस कि वो कुछ
हो वहां पर. सो 32 पे स्क्रीनिंग रिकमेंडेड नहीं है अनलेस फैमिली हिस्ट्री है. ओके. अगर वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं मिला, अब वो डॉक्टर के पास गए क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए, इट इज स्टिल पॉसिबल कि डॉक्टर को मिल जाए. सी डॉक्टर इज एन एक्सपर्ट, उनको पता है अबनॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या है. सेकेंडली वी कीप पैल्पेटिंग एंड एग्जामिनिंग, तो हमारी फिंगर्स आर मोर सेंसिटिव इन डिटेक्टिंग एंड इन अंडरस्टैंडिंग कि ये सस्पिशियस हो सकता है और ये सस्पिशियस नहीं है. सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज लाइक अ फर्स्ट बेसिक स्टेप कि आपने खुद किया, आपको कुछ फील हुआ, नहीं फील हो रहा, फाइन. स्टिल अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप कभी भी डॉक्टर के पास जा सकते हो एंड यू कैन से कि आई वांट टू गेट माय सेल्फ एग्जामिन्ड. क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तो कभी भी किया जा सकता है. डॉक्टर, आपके पास जब कभी ऐसे पेशेंट्स आते हुआ एज यंग एज 32-33 एंड देव बीन डायग्नोज्ड विद स्टेज 3, व्हाट इज योर एडवाइस टू दोज पेशेंट्स एंड टू देयर फैमिलीज? सी, एज शी राइटली मेंशन, जब डायग्नोसिस होता है द वर्ल्ड गोज अपसाइड डाउन. एक फेज ऑफ डिनायल होती है, एक फेज ऑफ व्हाई नहीं होती है, फिर एक फेज ऑफ एक्सेप्टेंस आती है. सो यू हैव टू जस्ट बी पेशेंट, वी लिसन टू देम बिकॉज देर इज अ लॉट दैट इज गोइंग इन देयर हेड. वी कॉन्सेंट्रेट इन आर ओपीडीज की ट्रीटमेंट कैसे होगा, बट ट्रीटमेंट आई फील कि उसका 50% पार्ट है. उसका नेक्स्ट 50% इज वॉट इज गोइंग इन देयर माइंड. किसी का स्पाउस है, यंग थे, अभी शादी हुई थी, बच्चे छोटे हैं, लैक्टेटिंग फीमेल है, उसका बच्चा अभी छोटा है, डायग्नोज हो गया. सो they have a lot of other issues that they have to deal with. So we talk to them. Then a very important thing is support groups. There are support groups where there are patients and caregivers who have volunteered ki hum ab jo patients hain unko counsel karenge to help them deal with it better. See, I telling a patient ki aapko nausea hoga, aapko ye karna chahiye, is not as effective as someone who's actually gone through it. सो उसको हो सकता है मुझसे ज्यादा ही पता हो कि ये नौजिया हो रहा है तो ये चीज खाने से होगा और ये चीज खाने से नहीं होगा. यस, सो इट बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर. और फिर ये लगता है कि इट गिव्स यू अ पॉजिटिव मोरल ऑल्सो. इफ शी हैज गॉन थ्रू इट एंड टुडे शी इज इन दिस स्टेट, सो आई कैन ऑल्सो डू इट. शी कैन बैटल इट आउट, सो कैन आई. सो व्हेन वन पर्सन कैन डू इट, द अदर पर्सन कैन डू इट एज वेल. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच डिंपल for this insightful conversation. And I can safely say this on behalf of everyone who is watching us today, including me. I'm leaving this conversation so much more aware, informed. Itni cheeze aisi thi jo mujhe pata hi nahi thi ya galat pata thi. Kuch myths the jo hamare break hue hain. That was the entire reason why we wanted to have this discussion with the doctor and with Dimple today. That's it from us, ladies and gentlemen. This is Kanika Khaibri signing off. Have a good day, everyone.